आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में चोरी की एक कार, एक मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल, 2 तमंचे व 3 जिंदा कारतूस तथा 2,33,000 रुपए के साथ 2 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। खास बात ये रही कि कार पर प्रेस लिखकर कार को चलाया जा रहा था। एसपी आजमगढ़ ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रभारी निरीक्षक सिधारी मय हमराहा द्वारा आजमगढ़ जिले के नरौली तिराहे पर चेकिंग करने के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त धीरेन्द्र पाठक व पवन पाठक निवासी अमारी थाना सराय लखनसी जनपद मऊ के रहने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी जिसमें हमने टीम लगाया था और टीम वालों ने इनको गिरफ्तार किया। इनको गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि इनके पास एक 4-5 लोगों की टीम है। पहले जाकर रेकी करते हैं, घर देखते हैं और उसके बाद से इनके पास इस तरह की इक्विपमेंट्स हैं जिसे ताला तोड़ते हैं तो आवाज़ भी नहीं आती है और उसके बाद घुस करके ये चोरी कर लेते हैं। इन्होंने 3-4 चोरियाँ हमारे सिधारी और कोतवाली क्षेत्र की इन्होंने कबूल की है। जहाँ पर इन्होंने बेचा था वो माल भी बरामद हुआ है, इनसे पैसे भी बरामद हुए हैं, इनसे अल्टो कार भी बरामद हुई है, चोरी की एक गाड़ी भी बरामद हुई है। ये ढेर और भी इन्होंने कुछ इस तरह की बात बताए हैं। असलहे में इनके पास से तमंचा बरामद हुआ है, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और इन्होंने कुछ ऐसे सुराग और इस तरह की बात बताई है जिससे और भी हाल ही में गिरफ्तारी होने की और संभावना। देखिए, ये इनके क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये पहले भी जेल जा चुके हैं, ये 4-5 बार जेल जा चुके हैं। अभी तो ये एक इसमें से अभी जेल से छूटा ही था, छूटने के बाद फिर ये क्राइम करने में इन्वॉल्व हो गया था। हाँ बिल्कुल, ये गिरोह के रूप में काम करते हैं, इनमें ड्राइवर भी है, इनमें अल्टो गाड़ी भी है जिससे जाके रैकी करते थे और इनके 4-5 सदस्य हैं, ये मिल करके संगठित रूप से ये अपराध करते थे। ठीक, जहाँ इन लोगों ने चोरियाँ की हैं वहाँ से जो मोबाइल इन लोगों ने उठाए थे वो मोबाइल भी इन्हीं के यहाँ से बरामद हुआ।